हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली ड्रीम गर्ल 2 मूवी जो कि आज थिएटर में आ चुकी है, और इस मूवी को अगर मैं वन वर्ड में रिव्यू करूं तो दिस इज गुड मूवी। यस गाइस, बहुत अच्छी मूवी है। इस मूवी के अंदर कुछ ऐसी सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है, और वहीं इस मूवी के अंदर कुछ कमियां भी हैं जो कि आगे चलकर मैं आप सभी को डिटेल में बताने वाला हूं। तो दोस्तों, इस मूवी की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इस मूवी की स्टार कास्ट है। यस गाइस, इस मूवी के अंदर जितने भी स्टार ने काम किया है उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत बढ़िया है, और खास करके आयुष्मान खुराना सर की। यस गाइस, आप सभी को पता है कि उन्होंने दो करेक्टर प्ले किए हैं, एक मेल का और एक फीमेल का, और जब वो फीमेल वाले करेक्टर में आते हैं तो आप जज नहीं कर सकते कि ये आयुष्मान खुराना सर है या सच में कोई पूजा आ गई। और वहीं अगर बात करें अदर स्टार कास्ट की, अदर स्टार कास्ट ने भी बहुत अच्छा काम किया है। खास करके हम अनन्या पांडे के नाम से बहुत ज्यादा डर रहे थे क्योंकि उसकी जो एक्टिंग है आप सभी को पता है कि बंदे को किल कर देती है, लेकिन इस मूवी के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो मच बेटर है। यस गाइस, बाकी मूवी से उनकी जो परफॉर्मेंस है इस मूवी के अंदर वो मच बेटर है। और वहीं अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी की, तो स्टोरी बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर आप जाकर कहोगे कि यार बहुत ज्यादा ओवर हो गई। जैसा कि आप सभी को पता है कि फर्स्ट पार्ट में आयुष्मान खुराना सर जो कि सिर्फ कार पर बात करते हैं लेडीज बनकर, वो इंसान कहता है कि नॉर्मल लाइफ में भी होता है, यानी कि नॉर्मल लाइफ में भी हम एक दूसरे को तंग करने के लिए ऐसी हरकतें करते हैं। लेकिन इस पार्ट में जब आयुष्मान खुराना फेस टू फेस जाकर मिलते हैं और उसके साथ बात शादी तक पहुंच जाती है, तो कुछ कुछ जगह पर ऐसी फीलिंग्स आती हैं यार ये तो बहुत ओवर हो गया। लेकिन अगर बात करें ओवरऑल इस मूवी की, तो मूवी बहुत अच्छी है, गुड मूवी है। इस मूवी के अंदर जो कॉमेडी पंचेस हैं वो बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो टाइमिंग है कॉमेडी पंचेस की वो परफेक्ट है, और जो स्टार कास्ट ने काम किया है वो इस मूवी को बचाते हुए दिखाई दे रही है। यानी कि ये मूवी चलेगी, ऐसा नहीं है कि ये मूवी मंडे पर जाकर खत्म हो जाएगी, बल्कि ये मूवी चलेगी। यानी कि ये मूवी फैमिली ऑडियंस को पसंद आती है तो ये मूवी 100 करोड़ का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कर लेगी, क्योंकि इस मूवी का फर्स्ट पार्ट जो आया था उसने भी बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, और ये मूवी भी इतना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करेगी क्योंकि फैमिली ऑडियंस को ये मूवी पसंद आएगी। तो दोस्तों, इस तरह ड्रीम गर्ल 2 मूवी जो है थिएटर में आ चुकी है, और इस मूवी का ऊपर जो मेरा रिव्यू था वो मैंने आप सभी को बता दिया है। लेकिन आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट जरूर बताएं, पिछले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप ऐसे अपडेटेड वीडियोस को देख सकें।